बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने बिहार से अपना एमएलसी प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। बीजेपी की ओर से विधान परिषद उपचुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 1 सीट पर शाहनवाज को उम्मीदवार बनाया गया है, दूसरी सीट पर बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं। बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी और विजय नारायण झा के इस्तीफा देने के बाद बिहार विधान परिषद की 2 सीटें खाली हुई थी। सुशील मोदी अब राज्यसभा जा चुके हैं और विनोद नारायण झा विधायक बनकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं शाहनवाज हुसैन के राजनीतिक सफर की। बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शाहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक वक्त में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद शाहनवाज को कोई बड़ी जिम्मेदारी अब तक नहीं दी गई थी। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। दिल्ली की डीटीसी बस से चढ़कर साउथ ब्लॉक तक सफर तय करने वाले शाहनवाज देश में सबसे पहले युवा केंद्रीय मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड बनाया था। शाहनवाज हुसैन बिहार के सुपौल से आते हैं। शाहनवाज ने पटना और दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी की। पिता प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। शाहनवाज का सपना बचपन से ही राजनीति में आने का था। हालांकि शाहनवाज हुसैन के घर में किसी का राजनीति से कोई नाता नहीं था। कहते हैं 1997 में एक कार्यक्रम के दौरान शाहनवाज हुसैन का भाषण सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये लड़का बहुत अच्छा बोलता है, अगर पार्लियामेंट में भेजोगे तो बड़े बड़े लोगों की छुट्टी करेगा। 1998 के लोकसभा चुनाव में जब शाहनवाज हुसैन से पूछा गया कि कहां से चुनाव लड़ोगे तो उन्होंने मजाक समझकर कहा कि जो सबसे मुश्किल सीट हो हमें दे दीजिए। बाद में शाहनवाज को किशनगंज से आरजेडी उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिला तो हैरत में पड़ गए। शाहनवाज वो चुनाव तो हार गए लेकिन पहले ही चुनाव में करीब 2.5 लाख वोट मिले। 1999 में जब दोबारा चुनाव हुआ और इस बार शाहनवाज जीत गए। इसके बाद शाहनवाज सांसद तो बने ही, साथ ही एनडीए के सरकार में राज्य मंत्री भी बने। शाहनवाज हुसैन को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स जैसे विभाग मिला। 2001 में शाहनवाज हुसैन को कोयला मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। सितंबर 2001 में नागरिक उड्डयन पोर्टफोलियो के साथ कैबिनेट मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया। शाहनवाज भारत के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बने। 2003 से 2004 तक शाहनवाज ने कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में कपड़ा मंत्रालय संभाला लेकिन 2004 के आम चुनाव में शाहनवाज को हार झेलनी पड़ी। 2006 के उपचुनाव में शाहनवाज हुसैन भागलपुर सीट से जीतकर दोबारा लोकसभा पहुंच गए। 2009 में भी भागलपुर से शाहनवाज को दोबारा जीत मिली और एक बार फिर वो लोकसभा पहुंचे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में शाहनवाज हुसैन को हार झेलनी पड़ी। ये वो वक्त था जब हर तरफ मोदी की लहर थी। शाहनवाज हुसैन मात्र 4000 वोट से आरजेडी के उम्मीदवार शैलेश कुमार से हार गए। तब से शाहनवाज पार्टी में सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए हैं। हालांकि शाहनवाज हुसैन बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। शाहनवाज बीजेपी के बड़े चेहरे में से एक हैं। लिहाजा इस बीच कई कयास भी लगाए गए कि शाहनवाज को हो सकता है कि राज्यसभा भेजा जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब 2021 में शाहनवाज हुसैन को बिहार में बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी बना रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र से क्या अब शाहनवाज को राज्य भर में सिमट कर रहना होगा, और सवाल ये भी कि बीजेपी के इस फैसले से शाहनवाज का कद बढ़ेगा या घट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।